हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स की तैयारी हेतु आपको 5 प्रश्न कराए थे और इस वीडियो में हम उससे अगले प्रश्न कराने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 से 24 कक्षा 6-5 ये वाले जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं, ये जो हमने पिछली वीडियो में करा दिए थे, ये आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स की तैयारी चल रही है 2023 के लिए, जिसका एग्जाम 29 अप्रैल को है। तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर। आज हम बात करने वाले हैं जवान नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस बुक की खास बात मैं आपको बता दूं कि इस बुक में 900 पेपर यानी कि सन 2014 से लेकर सन 2021 तक जितने भी जवान नवोदय विद्यालय क्लास सिक्स के पेपर हुए हैं, उन सभी का हल प्रश्न पत्र आपको इस किताब में मिल जाएगा। न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित सिलेबस आपको इस किताब में मिल जाएगा और 6 प्रैक्टिस सेट फ्री में आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप इन्हें लेना चाहते हैं तो नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक दे रखी है, आप वहां से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिन्हें सॉल्व करके आप अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। मेरा सजेशन यही है कि आप इस बुक को जल्दी से जल्दी खरीदें, और दोनों की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट की और गाइड की। तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट के जरिए आप इन्हें खरीद सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जल्दी से जल्दी इन्हें ऑर्डर करें और अपनी तैयारी मजबूत करें। कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आप अगली वीडियोस भी बिना रुके देख सकें। तो अभी आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 1। बाकी जो ऊपर के क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में करा दिए हैं, वो आप देख सकते हो। तो ये देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 76,340 में 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। तो जब हम किसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम 7, 6, 3, 4, 0। इसमें 6 का स्थानीय मान, ये जो 6 संख्या है इसका स्थानीय मान होगा 6, और जितनी संख्याएं आगे उतना 0 लगा देंगे। 1, 2, 3 संख्याएं तो 3 0 लगा दिए। तो ये 6 का स्थानीय मान तो हो गया 6000। और अगर किसी संख्या का हम अंकित मान निकालते हैं ना, तो जैसे ये है, ये 6 है, ठीक है। तो 6 का अंकित मान जो होता है वो 6 ही होता है। अगर यहाँ पे 4 का अंकित मान पूछते तो 4 ही होगा। तो अब यहाँ पे 6 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर ज्ञात कीजिए। तो स्थानीय मान तो यहाँ पे ये 6000 हो गया और अंकित मान हो गया 6। तो अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। 6000 यहाँ पे लिख देंगे हम, और माइनस हम कर देंगे यहाँ पे 6। 10 में से 6 गए 4 बचे, और यहाँ 9 जो है 9 यहाँ पे आ जाएगा। 10 में से 1 भी नहीं गया, तो यहाँ पे 9 का 9 उतर जाएगा, यहाँ पे भी 9 उतर जाएगा, एंड यहाँ पे 6 जो है इसकी जगह आ जाएगा 5। तो आंसर आएगा आपका 5000, आपका जो आंसर आएगा वो होगा 5994। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5994 कौन से उत्तर में है। ये जो बी वाले में आप देख सकते हो 5994, 5994 जो है इसका राइट आंसर है। बच्चों ये हमने पहले भी सॉल्व कर दिया था गलती से, ये जो है टिक लगे हुए रह गए हैं, बट आपको समझाना है इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने कम्प्लीट कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपके सामने, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती हैं। तो ऐसे प्रश्न जो है हर बार आते हैं बच्चों, मैं आपको बताऊं बहुत ही जरूरी है ये प्रश्न करना कि इतने कुल मतलब 3 अंकों यहाँ पे दे रखा है, तो पूछ लें 4 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। तो इसके लिए सबसे ऊपर आपको लिखना है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे पहले जब 3 अंकों की पूछा है कितनी संख्या बन सकती है, तो सबसे ऊपर बड़ी संख्या लिखनी है 3 अंकों की, और उससे नीचे